चल चल। अब अपनी मर्जी से उड़ गए। ये देखो छोटा सा घर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सबका इस व्लॉग के अंदर। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, गुड होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सबसे पहले जिन भाइयों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहले से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुफ्त में वीडियो नहीं देखनी, देखनी है तो भाई सब्सक्राइब करके ही देखनी है। विदाउट सब्सक्राइबर इज़ नॉट अलाउड ऑन माई वीडियो। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। आज मैंने जो है ना प्रॉपर माशाल्लाह से ड्रेसिंग भी की हुई है पूरी की पूरी। किट किट तो नहीं कह सकता, लेकिन जो है वो जैसे हॉर्स राइडिंग करने वाले का लुक होती है ना, वैसी की हुई है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिनेमेटिक शॉट्स ये वो हर चीज़ डालूँ, और बड़ा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग को। और हम करते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट। सो तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रकबे पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर कबूतर हमने रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें अभी वो अपने छोटे से घर में जा रहे हैं। लाइफ तो है, ये लाइफ वो है जिसमें आप खुद जीते हो, जैसे ये जी रहे हैं। देखो अब अपनी मर्जी से उड़ गए। ये देखो छोटा सा घर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर चले गए। तो मैंने जो है, मैं तो आया था राइडिंग करने, तो वो काम कर रहा है उतनी देर मैंने सोचा आपको मुर्गियाँ और ये जो है ना ये चीज़ें दिखा दूँ। और यहाँ पर कुछ बकरियाँ वगैरह भी हैं, ये भी देख सकते हो आप। ये होती है यहाँ की लाइफ, और बड़ा मज़ा आता है। और तो उधर वो सैडल ला रहा है, मैं उसके पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है, क्या घोड़े को कोई होता है ना, क्योंकि उसकी तबीयत भी तो ख़राब हो सकती है। तो हम अपने मिट्ठू के पास आ चुके हैं, और ये रहा हमारा मिट्ठू। अब मारूफ भाई जो है हमारे, इसके ऊपर डालेंगे सैडल। और बहुत ही आज माशाल्लाह से ये भी प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर पहले इसकी सबसे पहले सफाई है, सफाई के बाद ये रही सैडल पूरी की पूरी। और ये स्पोर्ट्स सैडल है। स्पोर्ट्स सैडल मीन्स एक होती है दूसरी सैडल, एक जो है ये स्पोर्ट्स वाली होती है, जिसके अंदर मेरा जहाँ तक अंदाज़ है इस चीज़ का डिफरेंस होता है। और इसमें क्या क्या फ़र्क होता है कुछ तुम्हें पता है इसका? वो जो दूसरी काठी थी हमारी पुरानी वाली, ये लाहौर की है ना, इसीलिए जो है लाहौर की नहीं होती, ऐसा नहीं होता। ये स्पोर्ट्स होती है, ये इंटरनेशनली जो रेसिस वगैरह होती है ना, मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं जो है हॉर्स राइडिंग करूँ इंटरनेशनल जैसे स्टाइल में। जो राइडिंग नहीं होती, जो शौक होता है हर बंदे का, कुछ का होता है कि वो चाल बाज जो घोड़े होते हैं उन्होंने वो रखे होते हैं। मुझे शौक़ था कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं, जैसे ये इसको इसका नाम भी होता है जिसमें टेंट पैकिंग होती है, टेंट पैकिंग ये जो नेज़ाबाजी होती है ना, वो वाली राइडिंग मुझे पसंद है और मैं करता हूं। और आज भी मैं वो करने की, ये वाला घोड़ा है ये थोड़ा सा चाल बाज, आई मीन कि ये थोड़ा सा डांस भी करता है, तो वो भी शायद ये कर ले तो ठीक है, अदरवाइज़ हम वैसे कर लेंगे। हमने तो इन्जॉय करना है, देखते हैं हो रहा है। इसके ऊपर पहले सफाई होगी, फिर सैडल डलेगी, फिर उसके बाद हम बैठते हैं। तब तक हम करते हैं इसका वेट। आपको दिखाता हूँ, हमने ना मुर्गियाँ और मुर्गे रखे हुए हैं, उन्होंने जो है अंडे दिए हुए हैं। अंडे आपको दिखाता हूँ, इतने हमने पहले सोचा कि बंदा खा लेता है, नहीं तो इनके बच्चे भी बड़े प्यारे आते हैं। ओ, आप देख सकते हो वो अंडे पड़े हुए हैं, ये जूम करता है ज़रा भाई, ये अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये अंडे वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं, इनके बच्चे वगैरह निकलेंगे, फिर हम नस्ल बढ़ाएंगे, फिर वो बच्चे देंगे, फिर वो बच्चे देंगे, फिर वो नस्ल बढ़ेगी, नस्ल बढ़ेगी, फिर यहाँ पे एक मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ होंगी। वो आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में मेरी तरह, वो जो एक होता है शेख चिल्ली वाली, वो वाला सीन होगा यहाँ पे। देखते हैं ये क्या बनता है। और ये मुर्गियाँ आ गई, ये रही, इन्होंने दिए हुए अंडे अंदर, पकड़ू तुझे। ये मुर्गा, आपके पास कितनी है मुर्गियाँ टोटल? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मुर्गियाँ हैं, और एक मुर्गा वो रहा, ये अभी आया रिसेंटली ना, तो ये बाकी मुर्गों से डरता है, वो जो उधर दूसरी साइड पे भाग रहा है, ये रहा, ये वाला। हमारा मिट्ठू हो चुका है बिल्कुल तैयार। तो अब आप देख सकते हो फुल सैडल लगाम, एवरीथिंग इज ऑन। तो अब हम बैठेंगे, अब होगा सीन जो है ना प्रॉपर वाला शुरू। ये आप समझ लो इंटरवल आ गया यहाँ पे, इंटरवल। I'm not afraid to die.
गाइस फाइनली इसके ऊपर जो है मैंने राइडिंग की है। इसने मुझे जो है आज गिराने की इतनी कोशिश की कि मैं आपको क्या बताऊं। वहां पे मैं खड़ा था वहां पे, तो इसने टांगे पीछे से उठा ली। अगर ये अल्लाह अकबर मेरे मुंह से ना निकलता तो ये मैं खाले के अंदर होता। अल्लाह पाक ने मुझे जो है वहाँ पे मेरी हिफाजत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इसने करवानी थी राइडिंग उतनी मैंने की है। कोशिश भी की है कि और भी करता, लेकिन जो है ये गिराने की कोशिश कर रहा है, और ये गिरा दे तो फिर बंदा आपको पता है सीधा जन्नत में ही जाता है। आई होप आपको हमारा जो है ना ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद भी मैं अच्छे से बेहतर से बेहतर करता जा रहा हूँ अपने व्लॉगिंग के सेंस को। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।